शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दे दी। 10 अप्रैल को कब्र पर फातिहा पढ़ेगा अब्बास। कासगंज जेल से गाजीपुर पुलिस कस्टडी में उसे गाजीपुर ले जाया जाएगा। पुलिस जेल अथॉरिटी के साथ संपर्क में रहेंगे। आज शाम 5 बजे से पहले अब्बास को कासगंज से निकलने की इजाजत मिल गई है। प्रशासन से जुड़े लोग साथ लेकर जाएंगे। 3 दिनों की अंतरिम राहत फिलहाल उसे मिली है। अदालत ने 11 और 12 अप्रैल को परिवार के लोगों से मिलने की इजाजत भी दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, विस्तार से बताइए क्या जानकारी आपके पास। मांग की गई थी कि वो अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं। हालांकि 4 दिन की उन्होंने अंतिम जमानत मांगी थी, जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कई कड़ी शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त ये लगाई है कि आज शाम को 5 बजे से पहले कासगंज जेल से गाजीपुर उनको डिप्लॉयड किया जाएगा। पूरी पुलिस की सुरक्षा में डिप्लॉयड किया जाएगा। और जब वहां अब्बास अंसारी पहुंचेंगे अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका।